नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग एक बहुत से बारे बच्चे थे जो कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि सर जो अभी खासकर 10th पास करते हैं और 12th पास करते हैं उनकी सबसे बड़ी एक समस्या होती है, क्योंकि जॉब अगर वो 10th के बाद अगर 12th के बाद जॉब देखते हैं और खासकर अगर वो यूपीपी पुलिस वाले जॉब में चाहे आर्मी वाले जॉब में जाना चाहते हैं तो उनकी एक उत्सुकता होती है कि कौन सी लाइन हमारे लिए बेहतर होगी। ठीक है, अगर बाय द वे अगर आर्मी में जाना है तो वहाँ पे सैलरी क्या है, कैसे वहाँ पे रूल रेगुलेशंस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ऐसे ही बच्चों की उत्सुकता होती है कि आरपीएफ कांस्टेबल और यूपीपी कांस्टेबल ये दोनों वैकेंसी आपकी 2023 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा बच्चा यूपीपी कांस्टेबल दे सकता है, कौन सा आपका आरपीएफ कांस्टेबल दे सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि दोनों जो आपके कांस्टेबल की ही जॉब है सेम ग्रेड पे है लेकिन सैलरी जो होती है ना किसमें ज्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे यही पूछते हैं कि सर कौन में सैलरी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा सैलरी किसमें ज्यादा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद से कौन सी जॉब जो है आपको आसानी से मिल सकती है कि कम पढ़ोगे और तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी, कम एफर्ट में जॉब मिल सकती है, उसकी उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो जैसे बात किया जाए कि सबसे पहली बात यह है आपको कि सैलरी कितनी होती है दोनों में। अगर हम बात करें दोनों कांस्टेबल है, दोनों का पोस्ट कांस्टेबल है और दोनों इस साल वैकेंसी आने वाली है, तो जान लो जिसको तैयारी करना है ठीक है वो लग जाइए तैयारी में, जुट जाइए, आज से ही अपना एम बना लीजिए कि मुझे आरपीएफ करना है या यूपीपी करना है। दोनों को मैं कंपेयर करके दिखा देता हूं कि किसमें क्या फायदा है, इन दोनों में सबसे बेटर क्या है। चलो, तो अगर सैलरी की बात करें तो यहां पर आरपीएफ की सैलरी लिखी गई है, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा, आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी है या यूपीपी कांस्टेबल की सैलरी है। जो पे स्केल है 5200 से लेकर 20200 उसका भी है, इसका भी है, ग्रेड पे 2000 है, 2000 ये भी है। जो बेसिक सैलरी आपकी बनती बेसिक सैलरी वो 21700 इसका भी है, 21700 इसका है। डीए आपको 42% हो गया आज अब, तो ये भी इनको भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, स्टेट में भी हो गया है, सेंट्रल में हुआ। तो अब यहां से देखो जो एचआरए है ना यहीं से आपकी सैलरी में चेंजेस हो जाते हैं। एचआरए 7000 मिलता है अगर टॉप क्लास सिटी में हो, एबीसी में सिटी डिवाइड रहता है तो ये बंद, ये जो सैलरी मैं दिखा रहा हूं हैदराबाद में पोस्टेड बंदे की सैलरी है 7000 मिलता है हैदराबाद ऐसे, क्योंकि वो टॉप सिटी हो गई। यहां पे अगर टॉप सिटी लखनऊ उखनऊ में आपकी पोस्टिंग है कांस्टेबल की तो जो हाउस के लिए अलाउंस मिलेगा आपको 2400 रुपया मिलेगा। यहां पर देखो और भी कई अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलाउंस मिलते हैं 4825 रुपया। जब आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब आप ट्रेन में जाते हो ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आपको भेजा जाता है ट्रेवलिंग, ट्रेनों में देखते होंगे आरपीएफ कांस्टेबल घूमते रहते हैं तो वो ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी 4500 है। आपको आप कहीं आते जाते हो आपकी इधर उधर आपको भेजा जाता है तो उसके लिए आपको खाने पहने के लिए जो है वो भी आपका 3519 रुपया मिलता है। तो ओवरऑल 50682 रुपया इनकी सैलरी बनती है। इसके बाद से इनके कई डिडक्शन होते हैं, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत डिडक्ट हो जाएगा 3000 के अप्रोक्स में। उसके बाद से आपके इनकम टैक्स में कुछ डिडक्ट हो जाता है और भी कुछ डिडक्शन होते हैं। उन सब डिडक्शन के बाद अगर हम बात करें तो एक आरपीएफ कांस्टेबल को जो सैलरी मिलती है वो अच्छी खासी 42 से 45 हजार सैलरी मिलती है। और एक बात और भी है कि इनको सैलरी और अच्छी मिलती है कि 12 है ना यहां पर इनकी जो सैलरी है ओवरऑल कहा जाए तो 15 महीने की सैलरी मिलती है इन्हें। दिवाली के समय में बढ़िया बोनस मिलता है, जो दिवाली होती है ना दिवाली में इनको बेसिक पे देख रहे हो ये बेसिक पे का दो सैलरी आपको यहां दिवाली के समय में दो टाइम्स एक तरह से बोल सकते हो 40000 रुपया खाली बोनस मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल 12 वो और 2 महीने की सैलरी और 14 महीने की सैलरी आपको यहां पर मिलने, ऑलमोस्ट 2 या 1 महीने की यहां पर मतलब एक तरह से बोला जाए ऐसा बोनस मिलता है जो है 2 महीने के अप्रोक्स सैलरी के अप्रोक्स का बोनस होता है ये कहा जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि डिडक्शन नहीं होता है, कुछ चीजें डिडक्ट होती हैं, जो हॉलीडे होती है उसकी छुट्टियां जो नेशनल हॉलीडे होता है उसकी कट के मिलती है, लेकिन यह बोनस अच्छा खासा यहां पर दिवाली का मिलता है इन लोगों का।
अगर कांस्टेबल की बात करें तो यहां पर से सब कुछ सेम था, एचआरए कम हो गया, फूड अलाउंसेस इन्हें 2000 मिलता है, बाकी ऐसे ही जब अगर कहीं ट्रेवलिंग अलाउंसेस 1000-1200 मिल जाएगा, 400-500 रुपया पेट्रोल का मिल जाता है, ऐसे मिलाकर इनको पूरा अगर बोला जाए तो इनकी जो सैलरी बनती है वो 36,000 के अप्रोक्स बनती है, ठीक है। और इनका अगर डिडक्शन हो जाएगा, एनपीएस डिडक्शन होगा, बाकी ज्यादा डिडक्शन नहीं होता है, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, तो ओवरऑल 3,000 के अप्रोक्स इनका भी एनपीएस जाएगा, तो इनहैंड सैलरी इनको 33K के अप्रोक्स 33,000 मिलेगा। यही देखो ये 42,000-10,000 का डिफरेंस आ जाता है आपके सैलरी में, ये मैं नए स्कीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो यही बात है कि 32,000-33,000 आपकी सैलरी यहां पर बनेगी, और यहां पर जो आपकी सैलरी बनेगी 42,000-45,000 की सैलरी बनती है यूपीपी कांस्टेबल इसमें। अब देखो मजे की बात क्या है कि इसमें से सैलरी के मामले में तो ये अच्छी है, इन्हें भी 13 मंथ की सैलरी मिलती है, 13 मंथ की सैलरी मिलती है। देखो इसमें 13 मंथ की सैलरी, 12 तो आपकी वजह से होती है मार्च में, क्योंकि इनकी कोई भी छुट्टी नहीं होती है बच्चों, जो सीएलईएल होता है उसी को ये लोग लेकर कहीं जाते आते हैं, घर जाते हैं, बाकी ना इनके लिए संडे है, ना दिवाली, ना होली, कोई त्यौहार नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से इनको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, मतलब जो 13वें मंथ की सैलरी इनको दी जाती है वो मार्च में दी जाती है, ठीक है। मार्च में इनका एक तो मार्च, पहली मार्च तक सैलरी आती है, दूसरा 5-10 दिन बाद आपकी सैलरी दूसरी आती है, जो एक तरह से बोनस के तौर पे कह सकते हो, जो इतना ये साल भर काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी आपकी 13 मंथ की इनकी बनती है। तो ऑलमोस्ट ये मानिए कि आपका जो सैलरी में डिफरेंसेस है आप देख सकते हो, बेटर जॉब का इसमें क्या है, आप यूपी में जॉब करोगे, यूपी वाले बच्चे हैं, और यहां क्या है, ये पैन इंडिया है, मतलब इन द सेंस आप जहां से भरोगे, जिस ग्रुप से भरोगे, वहां पे आपको पोस्टिंग जो है मिलती है। तो एक तरह से बोला जाए ये घूमने फिरने वाली जॉब है, जिसको घूमना फिरना पसंद हो तो वो आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइन कर सकता है। अब बात करते हैं कि आसान कौन सा है, कम पढ़ाई में कौन सा हो सकता है, या एक ही पढ़ाई में दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात, जो क्लास 10th पास किया रहता है बच्चा, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है पुलिस में जाने की, तो वो यूपी पुलिस में तो नहीं जा सकता है जो 10th पास किया है, लेकिन यहीं पर आरपीएफ जो रेलवे है आपको वो पुलिस बनने का मौका देता है, वर्दी पहनने का मौका देता है उन बच्चों को जो 10th पास है। तो यहां देखिए 10th पास पर होता है, और इसकी एज जो है, इसकी एज क्राइटेरिया भी ज्यादा है, ये 18 से 25 साल है, यहां 18 से 22 साल का होता है, ठीक है। जो यहां पर होता है 18 से 22 साल है, और यहां आरपीएफ कांस्टेबल में 18 से 25 साल की है। अब एजुकेशन तो मैंने बता दिया, एजुकेशन देखो कांस्टेबल में जाओगे तो 12 पास, तो 10th पास वालों को भी अगर पुलिस बनने का जज्बा है, वो बनना चाहते हैं, तो आरपीएफ इस साल आ रही है, आप सभी आरपीएफ के लिए तैयार हो जाओ, दौड़ो धूपो। हाँ, यहां पे एक बात यह है कि फिजिकल इसकी अपेक्षा आरपीएफ में अच्छा होता है, तो 10वीं पास किए हो तो फिजिकल तो अच्छा होगा ही, दौड़ धूप में अच्छे हो तो पुलिस बन जाओगे आरपीएफ में। हाइट भी देखो इसमें कम मांगता है, इतने हाइट में आप कहीं भी वर्दी नहीं पा सकते हो, 165 सेंटीमीटर की हाइट में आपको किसी में भी वर्दी नहीं मिलेगी, चाहे वो जीडी हो चाहे आपका यूपीपी कांस्टेबल हो, सिर्फ आरपीएफ में आपको जो है वर्दी देने का बोला है कि आपको हाइट 165 पर ले लेंगे, और यही यूपीपी कांस्टेबल आपकी जो हाइट मांगता है मेल कैंडिडेट का वो 168 है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का 152 है, और यहां पर फीमेल ज्यादा मांगा जाता है, 157 माना जाता है। उसके बाद से एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भैया देखो यहां पर जनरल अवेयरनेस वही चीज जो यहां पर पूछी जाती है, जीए आपका आएगा 50 क्वेश्चन होता है, ज्यादा वेटेज होता है इसमें, तो आपका 37 का वेटेज चलता है, जो टोटल 150 क्वेश्चन आता है जीए मैथ रीजनिंग हिंदी जो आपका है ना, 37-35 का रेशियो आपका चलता रहता है इसमें, ठीक है। अब यहां पर जीए देखो 50 है, मैथ 35 है, रीजनिंग 35 है, इन दोनों यहां पर आपको लैंग्वेज कोई नहीं लेना देना है, आपको 3 सब्जेक्ट तैयार करना है, यहां आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करना है, आपको हिंदी आती है तो भाई हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले जाते, तो वही आप देख लो कि आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। आपके लिए मैंने बता दिया, एक तो कक्षा 10 वाले जो है उनके लिए तो आंख मुन के आरपीएफ कांस्टेबल है, क्योंकि आगे कोई वैकेंसी नहीं है, अगर आपको सिपाही बनना है तो आप आरपीएफ की तैयारी में जुड़ जाओ। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो आरपीएफ का फिजिकल एफिशिएंसी तगड़ा होता है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा तैयारी करना पड़ेगा। यूपीपी का थोड़ा सा फिजिकल जो होता है, एक कह सकते हैं आसान होता है,
इसमें सिर्फ रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में मेल कैंडिडेट को दौड़ना है और फीमेल को 2.4 14 मिनट में दौड़ना होता है। यही आपका अगर हम आरपीएफ की बात करें तो रनिंग 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में करना होता है और फीमेल को 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में करना होता है। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप मेल को 14 फीट कूदना है और महिलाओं को 9 फीट, हाई जंप में 4 फीट और महिलाओं को 3 फीट, जो यहां पर आपको नहीं करना होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो यहां पर जो ये चाहते हैं मुझे यूपी में जॉब मिले, यूपी में जॉब करूं, तो वो यूपीपी अगर 12 पास है तो यूपी कांस्टेबल, या एज चली गई उनकी 22 से ऊपर हो गए हैं, 22 से ऊपर हो गए हैं तो आपके लिए 25 साल तक यहां पर जो है, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूं, बाकी आपके जो एससी एसटी ओबीसी है इनकी जो क्राइटेरिया लगती है आपके एज रिलैक्सेशन वाली, वो लगेगी। तो यहां पर आप 22 से ऊपर हो चुके हैं तो आप आरपीएफ आने वाली है इस साल और अच्छी वैकेंसी आने वाली, 2018 के बाद नहीं आई है, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ। यहां पे थोड़ा सा फिजिकल भी आप देख लेना, सैलरी भी अच्छी खासी है और भी जो भी चीजें हैं इसमें, जो आपका एक तरह से बोला जाए जॉब प्रोफाइल भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, आपको थोड़ा घूमने उमने को भी मिलेगा। यहां पर भी आपको जैसा बोला है पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां आपको पोस्टिंग कर दिया जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसे जगह पे हो गई तो हो सकता है समस्या भी हो, आपको पढ़ने का समय भी ना मिले, लेकिन कुछ जगह पे पोस्टिंग जो होता है ऐसी जगह पे होती है कि आपको समय भी मिल जाता है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो कांस्टेबल होकर एसआई और एएसआई का जॉब निकाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पोस्टिंग पर डिपेंड करता है। तो यहां पर दोनों को मैंने कंपेयर करके बता दिया सैलरी के मामले में और आपका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप किस में सुटेबल बैठ रहे हो। अगर सैलरी के बल पर जाना है तो आप आरपीएफ ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें अलाउंसेस बहुत है और इससे आपकी सैलरी दिन पे दिन इंक्रीज ही होती है। तो अगर आपको इन दोनों जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, या किसी भी जॉब के बारे में आप जानना चाहते हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल, किसी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो, उसकी सैलरी जानना चाहते हो, आप इच्छुक हो उसकी नौकरी करने के लिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए कि सर मुझे इस जॉब के बारे में डिटेल में विद सैलरी पोस्टिंग सब कुछ बता दीजिए, तो वहां पर जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपको उस जॉब के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराया जाए। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसे ही हर जो भी आपकी जॉब आती है उनके बारे में आपको पता चले कि इन जॉब में हमें क्या करना होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, प्रोफाइल क्या होता है, कैसे हमें वर्किंग करना होगा। इन सब के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।